इस तरह से मैंने लगा के इसको रोका है। ये देखिए, इससे इससे इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज मैं एक और नए कोलाज आपके लिए लेके आया हूँ। वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और सिखाऊंगा फ्रेंड्स कि कोलाज कैसे बनते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फर्स्ट ऑफ कोर्स मैं ये वाला कोलाज है, ये आप देखिए, ये कोलाज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अंदर मैंने 4x4 इंच के कुछ साइजेस लगाए हैं, जिनकी काउंटिंग है 1, 2, 3, 4, 5 फाइव काउंटिंग है जिनकी। 4x4 इंच का हमने इनको साइज़ दिया है। मैंने इसमें ऑलरेडी प्रिंट डाल दिए हैं, और ये वाला जो हमारा एक लार्ज स्केल में 1/2 इंची में मैंने इसको भी बनाया है। इसका जो साइज़ है, इसका है 12x30 इंच का इसका साइज़ है फ्रेंड्स। सो आउटर बॉडी में मैंने सिंगल 1 इंच की इसकी आउटर बॉडी मैंने इसके साथ अलग से रखी है, और यहाँ सेंटर में मैंने इसको 1 इंची की स्पोर्ट अलग से मैंने इसके लिए दी है। सो फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बैक से एक बार बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ कि मैंने इसके पीछे क्या क्या स्पोर्ट मैंने इसके लिए यूज़ किए हैं, क्या क्या मटेरियल मैंने इसके लिए यूज़ किया है। सो फाइनली फ्रेंड्स, इसके पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला एक जो अपना ये वाला मैंने जो माउंट बोर्ड शीट है वो मैंने कटिंग करके इसके लिए या बैक साइड के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, और फ्रंट में मैंने इसको प्रिंट डाला है सेंटर में, और इससे आगे मैंने ग्लास लगाया है। फर्स्ट इन केस मैंने एक अपना अलग से मैंने एक बाउंड्री बनाई। बाउंड्री बनाने के बाद मैंने इस पर ग्लास डाला। ग्लास मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये डला ग्लास, आफ्टर ग्लास मैंने प्रिंट डाला। प्रिंट की मैं एक बार लोकेशन देख लेता हूँ, और उसके बाद मैंने माउंट शीट डाली। सो फाइनली फ्रेंड्स, अगेन ऐसे जॉइंट करने के बाद हमारा कोलाज का गेटअप बनता है, दिखता है। सो फ्रेंड्स, ये कोलाज अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है जानने में कि भाई ये हमारे मॉड्यूल्स जो हैं ये हमने सेट किए हैं, ये कैसे लगाए, कैसे बनाए, कैसे दिखाए, ये बनते कैसे हैं, अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है इसको जानने में कि ये कैसे बनते हैं, तो ऊपर मैं बेल आइकन दे देता हूँ, उसमें आप जाएं, वहाँ पर देखें हमारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको अगर देखते हैं, तो उसमें आपको मैंने प्रॉपर बता रखा है कि ये वाली चीज़ें कैसे बनती हैं। और आफ्टर इसके मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कैसे इनको एक दूसरे के साथ इनको रोका है। मैंने अगेन जो हमारी नेल गन मशीन है, मैं आपको शो करा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारी जो नेल गन मशीन है, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर प्रॉपर पिनिंग लगाकर हमने इस जो अपना फ्रेम है इसको हमने इसके साथ रोका है, और सेकेंडली हमने जो हमारा स्टेपलर है, स्टेपलर से भी हमने इसको यहाँ पर रोका है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको लगा के भी, इस तरह से मैंने लगा के इसको रोका है। ये देखिए, इससे इससे इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। सो जैसे ये लगा दिया मैंने, इससे क्या है कि इसकी वो मजबूती और बढ़ जाती है, और फाइनली हमारा कोलार्ज बनकर हमारे लिए रेडी है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है इसको वाइड में लगाने के लिए, तो वाइड में इस तरह लग जाएगा ये। हाइट में लगाने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो इस तरह से लग जाएगा। जैसे भी अगर आप चाहो, जिस भी वे से आप चाहो उसको आप यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा कोलार्ज कैसा लगा? सो फाइनली फ्रेंड्स, आपको हमारा कोलार्ज कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आप हमारी ऐसी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।